झारखंड राज्य बनने के बाद से ही खिलाड़ियों की लगातार उपेक्षा की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यही कारण है कि खेल से अपना कैरियर बनाने का सपना देखने वाली खिलाड़ी के पास अब आंसू बहाने के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। ऐसी ही तीन फुटबॉल खेलने वाली बहनों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बोकारो के बालेडी स्थित कुर्मीडी में रहने वाली तीन बहनों ने कभी यह सोचा नहीं था कि उन्हें फुटबॉल खेलने से किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये तीनों फुटबॉल खिलाड़ी बहनें आज एक झोपड़ी नुमा घर में रहने को मजबूर हैं और 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। कुर्मीडी की रहने वाली तीनों बहनें सबसे बड़ी जसपीना हस्ता, विनीता हस्ता और सफीरा हस्ता फुटबॉल की खिलाड़ी हैं। छोटी बहन सफीरा फुटबॉल में नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुकी है। उसने साल 2013 और 14 में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तानी करते हुए श्रीलंका का भी दौरा किया था। वहीं बड़ी बहन जसपीना और विनीता नेशनल फुटबॉल टीम का हिस्सा बन चुकी है। इन लोगों ने साल 2005 से 12 तक कई फुटबॉल टूर्नामेंटों में भाग लिया। इन तीनों बहनों से पिता का साया 2017 में उठ गया, उसके बाद इस परिवार के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। आज हालत ये है कि छोटी बहन के कमाई से लोगों का पेट भर रहा है, जो कि काफी दुख भरी बात है। विनीता ने राज्य सरकार से सहयोग की अपील की है। उसका कहना है कि आज तक हम लोग खुद के पैसे से फुटबॉल खेलते आ रहे हैं, आज न हमारे पास जूते हैं और न ही जर्सी। फुटबॉल की कीमत कितनी हो गई है कि हम इसे खरीद भी नहीं सकते। छोटी बहन को जल्द से जल्द नौकरी दे और आगे खेल को लेके आगे और बहुत नाम कमाए। खेलना क्यों छोड़ा, क्या कारण रहा? कुछ सपोर्ट नहीं सर, जूता नहीं, फुटबॉल नहीं, पैसा लगता। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गया, तो फुटबॉल का दाम भी बहुत बढ़ गया, बूट का दाम बढ़ गया, बैंडेज का दाम बढ़ गया, सॉक्स का दाम बढ़ गया। कहाँ प्रैक्टिस करते थे? हम लोग यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, पैदल ही जाते थे सर। साइकिल था, वो भी ख़राब हो गया। मैं सर यही कहना चाहेंगे कि जितने भी खिलाड़ी हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम ही लोग पे ध्यान दें, जितने भी खिलाड़ी मेरे साथ साथ जितने भी खिलाड़ी जितने सीनियर लेवल जो खेले नेशनल, जैसे उड़ीसा में सबको बहुत अच्छा मतलब वहाँ देते हैं, उड़ीसा में सब लोग नेशनल खेल के सब मतलब नौकरी पे, रेलवे पे है सब। मेरी जितनी फ्रेंड लोग हैं सब रेलवे में जॉब करते हैं, लेकिन झारखंड में किसी को अभी तक नहीं मिला, बस केवल हॉकी में मिला, फुटबॉल में कभी किसी को नहीं मिला। बहुत मेहनत की हम लोग इसके पीछे बहुत ज़्यादा, और ऐसे झारखंड में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं कि जिसके डिस्ट्रिक्ट से हम लोग खेले ना हो। वहीं माँ सारामणि हस्ता कहती है कि हमें यह उम्मीद थी कि हमारा कोई बेटा नहीं है, लेकिन इन बेटियों को खेलते देख हमें काफ़ी खुशी होती है। हम राज्य के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहते हैं कि खिलाड़ियों पर ध्यान दें ताकि वे लोग सही से खेलते हुए आगे बढ़ सकें। ये फैक्ट्री सब में काम करते थे, झाड़ू वाला सब फैक्ट्री में झाड़ू करते थे और बबरी सबको इधर उधर रखते थे, वही काम था। तो लॉकडाउन में उस समय भी हम लोग को बैठा दिए थे, और अभी भी ठीक से नहीं चल रहा है वो भी, तो बैठा दिया, तो हम अभी घर में हैं। बच्चे लोग कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन से कि वो भी आदिवासी हैं, आप लोग भी आदिवासी हैं, क्या कहना सर? लड़की कोई भी लड़की एक जन का नौकरी हो जाएगा ना, तो हमको बहुत खुश लगता। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।